दुल्हन बनके इतनी हसीन लग रही थी कि ये बताने के लिए तड़प रहा था, पर इसीलिए जल्दी से तुम्हारे पास आना चाहता था कि अपने दिल की वो सारी बातें कह दूं जो आज तक तुमसे नहीं कह सका। किसी भी करारी और इस जल्दबाजी में अपना बाजू तोड़वा लिया। बहुत सही टाइम पर तुम्हें चोट लगी है। अगर थोड़ी सी भी और देर हो जाती ना, तुम्हें कब की जा चुकी होती। कहाँ चले जाती थी? अपने घर बड़े भैया के साथ। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था, सामान भी पैक कर लिया था, वो मुझे लेकर जाने ही वाले थे। क्या मतलब, तुमने अपने बड़े भैया को सब कुछ बता दिया? मम्मी, आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूं। ये लड़की कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? जाहिर सी बात है, जिस लड़की ने सारे भाइयों को अपनी उंगलियों पर नचाया हुआ है, उसने शोहर को किस खातिर में लेकर आना है? मेरा मरा तो वैसे ही चला सा है, जिस तरफ लगा वो लग जाता है। वैसे अम्मी, ये जो जरूरत से ज्यादा ही भोले पाले सीधे साधे मर्द होते हैं ना, जान मुरीदी के जरासीम भी सबसे ज्यादा इन्हीं में पाए जाते हैं। जो भी है, लड़की है बड़ी डांटी, आते के साथ ही मिनटों सेकंडों में मुराद के सर से अजरा का भूत उतरवा दिया। अजरा का भूत उतर गया है, मगर अब मन्नत का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। बात मेरी समझ में लग गई है। ये सारा किया धरा उस मैडम शमीमा रखा है, वो लड़की की भाभी के साथ मिली हुई थी, खेल रचाया है इन्होंने मेरे साथ। मतलब तू बोल क्यों नहीं रही मन्नत? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना, कैसे इतनी आसानी से तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया? छोटी सी खता पर तुम मुझे छोड़कर जा रही थी? झूठ बोलना एक छोटी सी खता तुम्हारे लिए होगी, क्योंकि तुम तो ठहरे एक पक्के झूठे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। झूठ? मैंने तुमसे कौन सा झूठ बोला? झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो, और फिर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं रिएक्ट भी ना करूं? उतार के फेंको ये प्लास्टर और बंद करियो ये ड्रामेबाजी। मुझे पता है तुम्हें कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। अच्छा मन्नत, रिलैक्स, जैसा तुम समझ रही हो वैसा मैं तुम्हें जैसा समझती थी वैसे तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम बुजदिल होने के साथ साथ झूठे भी हो। मुझे ही गलती हुई तुम्हें पहचानने में, एंड आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ। मुराद मन्नत, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें फंसाया गया? मन्नत का रिश्ता तो हम लोग खुद बड़े चाव से मांगने गए थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ पिलाया गया था वहां पे। अम्मी, मेरी आंखों के सामने जैसे पट्टी बंद गई, मुझ पे जादू कर दिया, मैंने झटपटी जादू कर दी अपने बेटे की। वो चुनाल नजरा भी मिली हुई थी उन लोगों के साथ, वो लोग सारे मिल गए, मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहते हैं, मैं जानती हूँ। अम्मी, आप मुझे जहनी दबाव का शिकार लग रही है, इतने वसवसे नहीं डाले अपने दिल में। वैसे भी जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे क्या इल्जाम धरना? मामूली सी करा जाती थी ना मेरे बेटे को, तो मेरी गोद में सारा की सारी सारी रात लेटा रहता था, मैं भूखे मारती रहती थी पढ़ पढ़ के।
अब तो मन्नत पढ़ पढ़ के फूकेगी उस पे। मम्मी, मुझे लगता है कि ये दोनों मिलके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। क्या मतलब है? हो सकता है हम रात का एक्सीडेंट ही ना हुआ हो, और ये बाजू टूटने की भी फिल्म ही चलाई हो हमारे साथ। ऐसा भला क्यों करना है उसने? औकत की जमानत के लिए मुशक्कत जो करनी पड़ रही थी, अब बीवी घर आ गई, अब उसका क्यों दिल लगेगा घर से बाहर? मेरा बिया उधर से लाखों के पीछे रात आ कर, और ये अपनी बीवी के नाज नखरे उठाने से फुर्सत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरा मुराद। माँ से झूठ बोल ही नहीं सकता हूँ, ना ही मैंने उसकी ऐसी तरबियत की है। मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है, मेरा बेटा अपनी माँ के साथ कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने खून पर और अपनी तरबियत पर अंधा एतमाद। ये लो, आंसू साफ कर लो। माफ कर दो यार, गुस्सा जाने दो। माफी गलतियों की मिलती है, झूठ बोलने की नहीं। अच्छा ठीक है, मैं झूठा ही से मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला है। जख्मी होने के ढोंग रचाया मैंने, लेकिन कुछ चोरी तो नहीं ना की, किसी के हक पर डाका तो नहीं ना डाला। क्या चाहता था, यही ना कि सारे काम छोड़कर अपनी बीवी के पास जाऊं, उसके साथ वक्त गुजारूं। रोज मैंने तुम्हारे पास आने के लिए जो झूठ बोला ही है, तो कौन सी क्यामत आ गई? ये सब कुछ तुमने मेरी खातिर किया ना, तो मुझसे क्यों झूठ बोला? मुझे तो कम से कम सच बताते। मन्नत वही तो करने की कोशिश कर, देखो पूरे घर में सिर्फ तुम ही हो जिसे मैंने सच बताया, पता कि अम्मी को भी नहीं पता। लेकिन मैं यही तो नहीं चाहती ना कि तुम झूठ बोलो, ना मुझसे ना फैमिली से, किसी से भी नहीं। ये मेरा मतलब नहीं था। तुम्हारा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, तो तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ यार, मैं तुमसे पहले कोई ना तुम्हारे बाप को। सिर्फ तुम तो।